गणपति जय ये मम्मी भी ना म्यूजिक की सेंस ही नहीं है, सुबह सुबह भजन मनिए बिठा दी। हलक कमेंट्री सुने चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, ये क्या है मम्मी, आखिर ये क्या हो रहा है यार। किरण हाँ, पहले मुझे बताओ ये क्या हो रहा है यार। हद हो गई, सभी मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। भजन सुन रही थी तो किसी ने पॉप म्यूजिक शुरू कर लिया, पॉप म्यूजिक में इन्वॉल्व हो गई तो किसी ने क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि इंडिया ये मैच नहीं जीतेगी, एक देशभक्त होने के नाते मैं क्रिकेट कमेंट्री में इन्वॉल्व हो गई, तब किसी ने फिल्म म्यूजिक शुरू कर दी, जैसे ही मैं फिल्म म्यूजिक में इन्वॉल्व हो गई तब किसी बेवकूफ ने ये प्लेयर ही बंद कर दिया। बेवकूफ तो बेवकूफ कहेगा, नरेंद्र श्रीवास्तव नाम का प्राणी है। अच्छा अच्छा, ये नरेंद्र कौन है? वही जिसे लोग तुम्हारा पति कहते हैं, मिस्टर किरण श्रीवास्तव। क्या? आई मीन नरेंद्र श्रीवास्तव, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इस घर में प्लेयर ऑफ रहेगा बस। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मुझे इस समय ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती है, उसके लिए मुझे एक कान थोड़ू थिएटर नहीं पीसफुल घर चाहिए। आप लोग समझ लीजिए, इस घर में म्यूजिक बंद रहेगा, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। डोंट यू वरी, म्यूजिक बजेगा, जरूर बजेगा, क्योंकि पकोड़े तलने के लिए मुझे म्यूजिक का इंस्पिरेशन चाहिए। Yes! And पकोड़े तलना is just not possible without inspiration. Mom is right, Papa. Inspiration तो चाहिए, अगर आपको पकोड़े खाने हो तो। मुझे ना पकोड़े चाहिए ना इंस्पिरेशन, मुझे शांति चाहिए, क्योंकि मुझे काम करना है, काम। मम्मी भी काम ही कर रही थी, लेकिन मम्मी आपके तरह अपने काम का डिंडोरा नहीं पीस रही थी। हाँ करेंगी, मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, पकौड़े नहीं तल रहा हूँ। You mean पकौड़े तलना नॉन प्रोडक्टिव काम है? जी हाँ मिस्टर चीकू, प्रोडक्टिव काम वो होता है जिससे पैसा आता है, पैसा। पकौड़े तलने से पैसा नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा काम
यार मुझे भी क्या पागल कुत्ते ने काटा, सुबह सुबह तुम लोगों के मुंह लग रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कर लूंगा अपना काम वहीं पर। अब तुम आराम से अपनी इस हुड़दंगी टीम के साथ खूब उछल कूद करो, खूब मस्ती करो, लगा लो लाउड स्पीकर, कमर मटका मटका कर नाचो, तलो पकौड़े छन छना छन 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 छन। भगवान के लिए मुझे मत तलो यार। ऐसा कभी नहीं हुआ। डांटने को तो सारे पति अपनी पत्नियों को डांटते रहे और सारी पत्नियां अपने पति की डांट खाती रही, लेकिन ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। वो औरत जो अपने पति के आराम के खातिर खुद का जीना हराम करती रही, वो औरत जो पलंग के नीचे घुस घुस कर चप्पलों से कॉकरोच मारती रही, वो औरत जो अपने पति के फेंके हुए सिगरेट के टुकड़ों को बीन बीन कर डस्टबिन में फेंकती रही, वो औरत जो खुद तो उबलती रही लेकिन अपने पति के लिए चाय उबालती रही, खटती रही, मरती रही, लेकिन अपना काम करती रही, और आज उसी के काम को हराम करार दिया गया है। आखिर क्यों माय लॉर्ड, क्यों? वो इसलिए मिलॉर्ड, उनके काम से पैसे मिलते हैं, मेरे कामों से पैसे नहीं मिलते। पैसा तो तुम भी कमा सकती हो मम्मी। हाँ, तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो पापा करते हैं। फेंक दो बर्तन और भांडे और शुरू करो बिजनेस। ईट का जवाब पत्थर से दो मम्मी। मुझे तुम्हारे अंदर का स्वाभिमान जागता हुआ दिखा दे रहा है मम्मी। ये लो नैपकिन मम्मी, पोंछ डालो अपने हाथों का बेसन और बन जाओ एक बिजनेस वुमन। हाउ इज दिस? Now you're looking like a businesswoman. Yes, I am a businesswoman. और मैं business करती हूँ. By the way, मैं क्या business करती हूँ? आप, Rinky, mom क्या business करती हैं? वो business करती नहीं है, करने वाली है. हाँ. अब आप अपना business शुरू करेंगी. अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया, वरना अगर मैं पहले से ही कोई business कर रही होती और मुझे ये पता नहीं होता कि मैं क्या business कर रही हूँ तो बहुत नुकसान हो जाता था ना। By the way, secretaries, मुझे क्या business करना चाहिए? आपको ऐसा business करना चाहिए जिसमें बहुत सारा पैसा हो। जैसे? 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 आइडिया! शुरू! क्या? अब हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री खोल दो मम्मी। You are great, चीकू, you are simply great. नहीं बनना। मगर चीकू, हवाई जहाज के फैक्ट्री के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। इतने पैसे हमारे पास है क्या? इडियट, तू कोई और आइडिया सोच रहा है? स्टूपिड। मम्मी आई है। बोलो 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 बोलो। एक आइडिया है। क्या है? देखो, आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है पॉलिटिक्स का बिजनेस। मेरी प्यारी मम्मी, आप मिनिस्टर बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं वाइफ में पैसा कमाना चाहती हूँ, वो भी ईमानदारी से। अरे यार, तुम लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस बोलो ना। फिर तो एक ही बिजनेस है। क्या? आप चौपाटी पे बर्फ के गोले बेचना शुरू कर दीजिए। ठीक है। क्या डिंगरी, मम्मी के रास्ते में बर्फ के गोले बेचेगी क्या? नहीं मम्मी। फिर बैंक रॉबरी कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी मम्मी। आइडिया। आइडिया? आपका कॉम्पिटिशन है डैडी से। हाँ। और डैडी करते हैं शेयर्स का बिजनेस। हाँ। तो आप भी शेयर्स का बिजनेस करिए ना। अरे हाँ, तुसी ग्रेट हो। आज तूने साबित कर दिया कि वाकई तू मेरा लाल है। This decision is final. मैंने तय कर लिया है कि आज नहीं नहीं अभी से इसी वक्त से शेयर्स की दुनिया में कदम रख रही हूँ। अरे भाई मम्मी, राइट पास पे। ओह सॉरी, कदम रख रही हूँ। आज के बाद प्रॉफिट से प्रॉफिट। मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा घर, उस बहुत बड़े घर में एक बहुत बड़ा हॉल, और हॉल के कोने में एक ब्यूटीफुल डिस्को फ्लोर विद कलरफुल लाइट्स एंड थ्रिलिंग म्यूजिक एंड टाकिला। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। व्हाट हैपेंड? डू यू वांट सम अदर म्यूजिक? Not music. मुझे शेयर्स चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम पापा के ब्रोकर मेहता जी को फोन करके शेयर्स खरीद ले रहे हैं। मगर कौन से शेयर्स? मम्मी, मैं जानता हूँ, मेरे पास पापा की सक्सेस का सीक्रेट है। सीक्रेट? जल्दी बताना। पापा रोज सुबह उठकर ना पेपर पर कुछ शेयर्स को अंडरलाइन करते हैं, जिस शेयर पर उन्होंने अंडरलाइन किया होगा हम वही खरीद लेंगे। ओके, दैट वाज अ गुड आईडिया। नहीं चीकू, इस तरह हम इंडिया भी उनकी मदद कर रहे हैं। अरे मम्मी, सब चलता है, मोहब्बत,
जंक और बिजनेस में सब जायज है। Is that so? Yeah. Then attack! Ouch! Oh, mommy! Sorry, mommy. हाँ? पापा ने टिप्सी सिंडिकेट को अंडरलाइन किया है। कौन मिस्टर मेहता? Okay, okay. ये पकड़ चल। Mom, yes. Not on the mobile. क्यों? अभी तो शुरुआत है इकोनॉमी। Oh yes, इकोनॉमी, इकोनॉमी। Yeah, हट ना। Oh, hello. अरे मम्मी ये नहीं वो oh, I'm sorry. Hello? Hello. किरण देखी डिजर अंकल का फोन है कह दे ना मैं घर पर नहीं हूँ मामा आप जानती हो कितना तरसते हैं आपकी आवाज सुनने के लिए दो मिनट बात कर लो खुशी जाएंगे डिंकी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं बिजनेस करना चाहती हूँ जस्ट डू एज आई से ओके बेचारे डिजर अंकल है नोरी हेलो किरण रॉन्ग नंबर डिजर अंकल हेलो हेलो हाँ बोलो मैं तो बोलता ओ मेहता जी मैं किरण बोल रही हूँ किरण श्रीवास्तव कैसे याद किया यही कुछ शेयर्स खरीदने हैं शेयर्स और आप क्यों मैं शेयर्स नहीं खरीद सकती जरूर जरूर आज ही श्रीवास्तव साहब ने श्रीवास्तव साहब का नाम मत लीजिए ये मेरा पर्सनल मामला है मुझे टिप्सी सिंडिकेट के कुछ शेयर्स चाहिए लेकिन श्रीवास्तव साहब ने तो हाँ अगेंस्ट श्रीवास्तव साहब मैंने कहा ना उनका नाम मत लीजिए जैसी आपकी मर्जी कहिए कितने शेयर आपके नाम डाल दूं यही कुछ 77 रुपए के क्या मॉम व्हाट आर यू डूइंग क्यों 77 ज्यादा है अरे ज्यादा नहीं कम है मॉम हमें लाखों रुपए कमाने हैं तो लाखों का बिजनेस भी करना पड़ेगा ओह यस ओके मेहता जी मेरे लिए 77 लाख ज्यादा है ना 7000 के शेयर्स भिजवा दीजिएगा 60000 और आज ही शेयर सर्टिफिकेट भिजवा दीजिएगा चेक मैं कल भेज दूंगी एंड आई वांट नो फॉर द डिस्कशन आई एम अ बिजनेस वुमन डू यू अंडरस्टैंड यस कांग्रेचुलेशंस मम्मी ओह थैंक यू आज आने दो तुम्हारे पापा को जलकर राख हो जाएंगे किरण किरण ये क्या तमाशा हो रहा है यार मैं दिन भर काम करके घर लौटा हूं मुझे चाय चाहिए और तुम मामा ने अब नॉन प्रोडक्टिव काम करना बंद कर दिया है She's a business woman now. Business करती है और पैसा कमाती है पैसा एक ही दिन में business woman? वाह लगता है मेरे bank balance पे संकट के बादल मंडराने वाले हैं By the way, किरण तुम कौन सा business कर रही हो Share business. Shares बेचना shares खरीदना पता है आज मैंने 60000 रुपए के shares खरीदे हैं 60000 रुपए के shares? हाँ कौन सी कंपनी के ले लिए Tipsy Syndicate टिप्सी सिंडिकेट के 60000 रुपए के शेयर्स क्यों जल गए मालूम है तुमको टिप्सी सिंडिकेट के भाव सिर्फ सुबह से शाम में आधे हो गए आधे पापा मैं मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है अरे मिसगाइड की ऐसी की तैसी है पहले तुम ये बताओ कि तुमको गाइड कौन कर रहा है आप मजाक कर रहे हैं ना अरे मजाक करना बंद करो मुझे सचमुच बताओ कि तुम्हें कहा किसने शेयर खरीदने के लिए सच्ची बताओ चीकू ने चुप चीकू पापा मैंने तो पेपर देख के बोला था जिसमें आपने टिप्सी सिंडिकेट को अंडरलाइन किया था करम अरे मेरे अकलमन लाल मैंने वो बेचने के लिए अंडरलाइन किए थे खरीदने के लिए नहीं हेलो है तुमको मैंने उस मेहता को आज ही 30000 रुपए के टिप्सी सिंडिकेट के शेयर बेचे हैं और मैंने उसी मेहता से 60000 रुपए के शेयर खरीदे हैं लगा दिया मेहता ने चुना घर के घर में ही अब तुम ही देना उस मेहता को 60000 रुपए मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ नो नेवर नेवर इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है हम मेहता से कह देंगे सौदा कैंसल तेरी अम्मा का राज चल रहा है सब जगह सौदा कैंसल शेयर्स में ऐसा नहीं होता है जो सौदा हो गया सो हो गया अब तुम जानो तुम्हारे एडवाइजर जाने मैं जा रहा हूँ ऊपर संभालो अपना बिजनेस हाउस बिजनेस वुमन मामा अब क्या होगा मेहता अंकल का आदमी आता होगा सर्टिफिकेट लेकर अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया है क्यों शांता भाई शांता भाई बिलंची नागिन निकाली डैंग डैंग नागों का ढुलाया लगला डैंग डैंग बिलंची नागिन निकाली नागों का ढुलाया लगला बिलंची आ गया कौन आ गया नागवा ये कौन है सेल सर्टिफिकेट किरण मेम साहब को बुलाओ मेहता जी ने भेजा है किरण मेम साहब घर पे नहीं है दो महीने के लिए बाहर गई है हाँ तो घर में जो है उसको बुलाओ ए बोला ना घर पे कोई नहीं है फक्त मीट है एक्टी एक्टी यानी अकेली हाय
तू कौन है? हाउसवाइफ किरण श्रीवास्तव, प्रमोटेड टू बिजनेस वुमन, बट नाउ डिवोटेड टू नौकरानी शांता बाई। शांता बाई, कितना प्यारा नाम है। तेरी शादी हो गई? नहीं रे, मैं नहीं। अरे तब तो लॉटरी लग गई शांता भाई। तुम श्रीवास्तव साहब की सर्वेंट, मैं मेहता जी का सर्वेंट, तुम भी कुंवारी, मैं भी कुंवारा, और इस घर में कोई नहीं। क्या बोलती है, शादी करेगी? मतलब ये कि मेरे पास 60,000 के शहर से, और तुम भी इस घर से जो कुछ बटोर सकती है बटोर लो। हम यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई तीसरा ना रहे। बस मैं रहूं और तुम रहो, मैं रहूं और तुम रहो, मैं रहूं और तुम रहो, मैं रहूं। बच्चों, हमारे बच्चे, बच्चों, बैठेंगे, मेरी मम्मी का घर है। ये तो शांता भाई है। ये शांता भाई नहीं है, ये हमारी मम्मी है, मिसेस किरण श्रीवास्तव। हाँ, ये शांता भाई है, मम्मी है, नहीं नहीं, किरण श्रीवास्तव। हाँ, मम्मी है, लेकिन शांता भाई है। स्टॉप इट, स्टॉप इट, हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, जाने दो। भाई साहब, भाई साहब, कहाँ साइन कर रहा है? देखा, हेलो किरण, इसमें तो अंकल यहाँ पर कोई किरण नहीं रहती, यहाँ पर तो शांता भाई रहती है। शांता भाई, हाँ काय बोलते हो, जाना भाई, जा तो। काश तुम शांता भाई होती। मम्मी अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? मम्मी जिसे बिजनेस समझ रही थी वो तो टाइम टाइम फिस्ट निकला। नरेंद्र, अब इन शेयर्स का क्या होगा? खाना बनाने के काम आएंगे, ले जाओ किचन में और रोज जला जला के खाना पकाओ। पड़ोसियों को भी तो पता चले कि हमारे घर में खाना भी हजारों रुपयों के कागज जला जला कर बनाया जाता है। 5,000 की भिंडी, 10,000 की दाल, 15,000 के बैंगन। हमारी बिजनेस वुमन बढ़िया ही बिजनेस करने। हेलो किरण, तुम्हारा बॉयफ्रेंड डिसूजा किरण। मम्मी मना कर दूं? हाँ हाँ मना कर दे। हेलो, एक मिनट चिकू, तुम्हारे पापा समझते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती, अब मैं उन्हें प्रॉफिट कमा कर दिखाऊंगी। हेलो जिनके रेट 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे। अब श्रीवास्तव साहब यहाँ है नहीं और ब्रोकर आज ही चेक मांग रहा है। उधार नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ही ये शेयर्स खरीदे। आप कमाए या श्रीवास्तव साहब कमाए, बात तो एक ही है ना डिजूजा। देर हो जाएगी, कहीं सौदा हाथ से निकल न जाए। मैं अभी चीकू को शेयर सर्टिफिकेट के साथ भेज रही हूँ, आप अभी चेक भेज दीजिएगा। हाँ बाय द वे, ये चेक का अमाउंट क्या है? कितना बताओ? मामा थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के बता दो। ओके, 60,250 रुपए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये चिकू शेयर सर्टिफिकेट ले और भाग और चेक लेकर आ। ओके, भाग ना। किरण ये क्या हो रहा है? आई एम स्टिल अ बिजनेस वुमन श्रीवास्तव। ओह यस, ओह नो। फोन। ओह थैंक यू सेक्रेटरी, थैंक यू। हेलो जी, जी जी जी, मेहता जी का फोन था, वो कह रहे थे टिप्सी सिंडिकेट के शेयर्स के भाव 4 गुना बढ़ गया और अगर हम चाहते तो 4 गुना देकर वो शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। क्या? हाँ, हाँ,